हेलो डियर लर्नर्स इन टूडेज लेसन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी वी डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेज आज के लेसन में हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस देखिए आज हम पढ़ेंगे प्लांट डिजीजेज व्हिच आर ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज तो अगर हम कॉज की बात करें तो प्लांट डिजीज दे में भी नंबर वन नॉन इन्फेक्शियस और नॉन पैरासिटिक डिजीजेज

इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं दे आर नॉट रिलेटेड विद एनिमल और वायरल पैथोजन इनके साथ एनिमल या फिर वायरस पैथोजन एसोसिएटेड नहीं होते हैं यही रीज़न है कि दीज डिजीज़ दे रिमेन नॉन इन्फेक्शियस एंड दे कैन नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिजीज्ड प्लांट टू अ अल्दी प्लांट लेकिन हम इन डिजीजेज को नॉन इन्फेक्शियस या नॉन पैरासिटिक डिजीज़ को हम फिजियोलॉजिकल डिजीजेस नहीं बोल सकते क्योंकि फिजियोलॉजिकल डिजीजेस में जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ डिजीजेस वेदर द डिजीज़ दे आर पैरासिटिक और नॉन पैरासिटिक लेकिन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन दोनों ही टाइप्स में एक जैसे प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉज ऑफ़ दिस डिजीजेस हम देखेंगे कि नॉन इन्फेक्शियस या नॉन पैरासिटिक डिजीजेस के पीछे रीज़न क्या है तो ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं दे अकर ड्यू टू डिस्टर्बेंसिज इन द प्लांट बॉडी एंड दैट इज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ द सॉयल एंड एयर तो इनके रीज़न क्या रहता है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ द सॉयल एंड द एयर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लो एंड वेरी हाई टेम्परेचर अनफेवरेबल ऑक्सीजन रिलेशन अनफेवरेबल सॉयल मॉइस्चर एंड पी एच प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेज इन द एटमोसफियर मिनरल एक्सेसिस एंड इन द सॉयल एंड एबसेंस ऑफ एक्सेस ऑफ लाइट आर द मेजर कॉज ऑफ दीज नॉन नॉन-इंफेक्शियस डिजीजेस अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ नॉन नॉन-इंफेक्शियस डिजीज जैसे कि नंबर वन टिप रॉट ऑफ नेक्रोसिस ऑफ मैंगो अब टिप रॉट और नेक्रोसिस ऑफ मैंगो ये क्यों होता है ड्यू टू दोरॉन डेफिशियंसी एंड इट इज कॉज बाय द एटमोसफेयरिक इम्प्योरिटीज Similarly, black heart of potato due to unfavorable oxygen relation in the stores and in the field. Then very very important, Chira disease of rice. Now, Chira disease of rice, it occurs due to the non-availability of the zinc to the plant. Next, we will talk about infectious diseases. They are caused by virus or virioid under a set of suitable environment are infectious. एसोसिएशन ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन इज असेंशियल विद सच डिजीजेज अब देखिए इन्फेक्शियस डिजीजेज में वायरस या वेरियॉइड की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है मीन्स देर इज देर मस्ट भी द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन कोई ना कोई पैथोजन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेज दीज डिजीजेज आर ऑलवेज इन्फेक्शियस समटाइम कॉन्टेजियस एंड आर ट्रांसमिटेड फ्राम डिजीज टू हेल्दी प्लांट इन द फील्ड एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेरियस एजेंसीज अंडर दिस ग्रुप डिजीजेज आर फर्दर कैटेगोराइज एज दे आर कॉज्ड बाय अब हम देखेंगे कि इन्फेक्शियस डिजीजेज दे आर फर्दर कैटेगराइज लेकिन अगर हम रीज़न की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे नंबर वन पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एम एल ओ दैट इज माइको प्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म फंजाई एंड नेमेटोड सेकेंड वायरसिस नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इन्फेक्शियस डिजीजेज आर ऑफन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर अक्रेंस इन द फॉलोइंग तो अगर हम डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस इन्फेक्शियस डिजीजेज दे आर डिवाइडेड इन टू नंबर वन एंडेमिक डिजीज एपिडेमिक और एपीफाइटोटिक डिजीज एंड स्पोरेडिक डिजीज फर्स्ट ऑफ ऑल एंडेमिक डिजीजे देखिए एंडेमिक का मतलब क्या होता है एंडेमिक का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज विच इज़ कन्फाइंड टू तो अ पर्टिकुलर एरिया कंट्री और डिस्ट्रिक्ट अगर कोई भी डिजीज़ किसी पार्टिकुलर एरिया में या किसी कंट्री में या फिर डिस्ट्रिक्ट में रिस्ट्रिक्टेड है तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक डिजीज़ दीज डिज़ीज आर नेचुरल टू वन कंट्री और द पार्ट ऑफ द अर्थ वैन अ डिजीज इज़ मोर और लेस कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट फ्राम ईयर टू ईयर इन मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म इन अ पार्टिकुलर एरिया इट इज़ कॉल्ड एज एंडेमिक टू दैट एरिया देखिए जब भी कोई डिजीज़ कॉन्स्टेंटली किसी भी पार्टिकुलर ईयर टू ईयर या फिर मॉडरेट टू सीवियर पार्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हो तो उस डिजीज को हम बोलते हैं एंडेमिक डिजीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया द कॉजल एजेंट इज वेस्ट वेल एस्टेब्लिश इन द फील्ड और इन द लोकेलिटी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एबिलिटी टू सर्वाइव थ्रू सॉयल और अदर मीन्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एंड द एनवायरमेंटल कंडीशन आर फेवरेबल फॉर इट्स सर्वाइवल ऑन अल्टरनेट और वाइल्ड होस्ट फ्रॉम वन क्रॉप सीजन टू नेक्स्ट आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस Group. तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी एजेंट है का वो फील्ड में में उस सरवाइव करता है और वहां की एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग लॉन्ग ड्यूरेशन तक सरवाइव करेगा और जो भी क्रॉप प्लांट्स होंगे उनको ये अफेक्ट करता है नेक्स्ट हम बात करेंगे एपिडेमिक या फिर एपीफाइटोटिक डिजीजेस देखिए एपिडेमिक की बात करते हैं तो एपीडेमिक जो कि एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है और एपिडेमिक का मतलब होता है अमंग द पीपल एंड इन ट्रू सेंस अप्लाइज टू दोज डिजीज ऑफ ह्यूमन विच अपीयर वेरी वेरेंटली अमंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन तो ज़्यादातर ये जो एपिडेमिक टर्म है ये ह्यूमन पॉपुलेशन में लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन में डिजीज के लिए यूज़ की जाती है द टर्म इज़ ऑल्सो यूज फॉर सच डिजीज अमंग कैटल एंड पोल्ट्री तो अगर कैटल या फिर पोल्ट्री की बात करें तो हम ये टर्म एपिडेमिक उन डिजीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम प्लांट डिजीज की बात करें तो प्लांट डिजीज़ में हम टर्म यूज़ करते हैं एपीफाइटोटिक देखिए एप्पीफाइटोटिक टर्म प्लांट डिजीज के लिए यूज़ होगा जबकि एपिडेमिक टर्म यूज़ होता है ह्यूमन बींग में या फिर कैटल में या फिर पोल्ट्री डिजीज़ के लिए दिस इज इम्पॉर्टेंट डिफरेंस एन एपीफाइटोटिक डिजीज़ इज़ वन ऑफ विच अकर वाइडली बट पेडिकली देखिए जो भी एपीफाइटोटिक डिजीज़ हैं ये कैसी होंगी वाइडली होंगी लेकिन पेरीओडिकली होंगी इट मे बी प्रेजेंट कॉन्स्टेंटली इन द लोकेलिटी बट एज्यूम सिवियर पॉपुलेशन ऑनली ऑन ओकेजन दिस इज बिकॉज द एनवायरमेंटल और एनवायरमेंट कंडीशंस Favourable for rapid development of these diseases occur only periodically. The Jobian diseases kill Jovi causal agent they are present only periodically. It is also important that the environment may be favorable, but the pathogen causing the disease may irregular in its occurrence or the inoculum of the pathogen has not reached the suitable concentration to cause the disease. Sporadic diseases. स्पोरेडिक डिजीजेज आर दोज दैट अकर एट वेरी इरेगुलर इंटरवल एंड लोकेशन एंड इन रिलेटिवली फ्यू इंस्टेंसेज तो देखिए जो भी स्पोरेडिक डिजीज़ हैं ये इरेगुलर मैनर में होंगी और रिलेटिवली फ्यू इंस्टेंसिस में ही ये डिजीजेस प्रेजेंट होती हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट दैट इज़ अ गिवन डिजीज में बी एंडेमिक इन ओनली वन रीजन एंड एपीडेमिक इन अनदर मैन ए डिजीज इज प्रेवल्ट थ्रू आउट द कंट्री कॉन्टिनेंट और इन द वर्ल्ड इट इज़ नोन एज पेंडेमिक डिजीज़ देखिये पेंडेमिक डिजीज़ क्या होती है जब कोई भी डिजीज़ थ्रू आउट द कंट्री थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट या फिर वर्ल्ड में प्रेजेंट हो तो ऐसी डिजीज को हम नाम देते हैं पेंडेमिक डिजीज नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज द डिजीज आर ऑल्सो क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू अगर हम प्रैक्टिकल पर्पज की बात करें तो प्लांट डिजीजेस को हम क्लासीफाइड कर सकते हैं लेकिन डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स तो सिम्टम के बेसिस पर रस्ट स्मट विल्ट ब्लाइट कैंकर मिल्ड्यू रॉट रूट या फिर फ्रूट रॉट लीव स्पॉट स्टेम लाइजेंस हो सकते हैं बाकी सारी टर्मिनोलॉजी मैंने प्रीवियस वीडियो में सारी की सारी ये डिस्कस की हैं तो आप वो वीडियो मेरा देख सकते हैं नेक्स्ट प्लांट ऑर्गन दे अफेक्ट और द मोड ऑफ सर्वाइवल एंड डिस्पर्सल ऑफ देयर प्रपिक्यूल तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट ऑर्गन अफेक्टेड रूट रॉट फ्रूट रॉट लीव स्पॉट स्टेमलाइजन्स एक्सेट्रा अ डिजीज में भी लोकेलाइज देखिए डिजीज लोकेलाइज्ड भी हो सकती है अफेक्टिंग ओनली द स्पेशल ऑर्गन और द पार्ट्स ऑफ द प्लांट तो लोकेलाइज में क्या होगा कि पर्टिकुलर या फिर स्पेशल ऑर्गन प्लांट्स के क्या होंगे अफेक्टेड होंगे आ डिजीज मे बी सिस्टेमिक सिस्टेमिक मीन्स अफेक्टिंग द एंटायर प्लांट मीन्स पैथोजन मूव इन द एंटायर प्लांट तो सिस्टेमिक में होल प्लांट विल बी अफेक्टेड इन दिस डिजीज सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो आप इसको लाइक करें शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे ही आप सब्सक्राइबर करते हैं तो उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आपको मेरी जितनी भी वीडियो की अपडेट्स हैं वो फर्दर मिलती रहेंगी सो थैंक यू सो मच